ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू द अदर सेशन ऑफ कार्यशाला फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद वेट ब्यूटी एक्सप्रेस बातों बातों में. तो आज का टॉपिक आप देखिएगा, सुनिएगा, बातों बातों में हम क्या बात कर रहे हैं. तो आज हमारे साथ है, मैं हूँ स्वाति जैन कार्यशाला फाउंडेशन से, और मेरे साथ है राधिका तेजपाल जो की हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर फॉर कार्यशाला फाउंडेशन. तो आज हम दोनों बात करेंगे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने अप डाउन्स के बारे में, प्लस हम लोगों ने लाइफ में क्या सीखा है और कार्यशाला फाउंडेशन के बारे में. अब इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगी, फिर राधिका अपने बारे में अपने आप ही बताएंगी. वो थोड़े से इंटरव्यू में बस ये है कि राधिका को हमने गुडविल एम्बेसडर क्यों बनाया, क्योंकि राधिका अपने आप में एक सेलिब्रिटी है और ये बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसलिए हमें लगा हमें इन्हें बनाना चाहिए. उसके अलावा शी इज बीन मिसेस इंडिया 2018 और ये थाईलैंड गई थी और वहाँ पे मिसेस एशिया का क्राउन जीत के आई हैं 2018. तो ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, तो हमने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इन्हीं को देते हैं. सो वेलकम टू द शो राधिका. राधिका, अब आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा मैं अपने बारे में बताती हूँ, और बातों बातों में चाय के साथ ये चर्चा शुरू करते हैं. ओके, थैंक यू कहते हैं राधिका, थैंक यू सो मच. मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बारे में और कार्यशाला फाउंडेशन के बारे में. सो आपको मेरी लैंग्वेज से लगता ही होगा कि इज ए मिक्स लैंग्वेज, क्योंकि आई एम ब्रॉट अप इन वेरी मिक्स कल्चर. माई फादर वॉज इज ए डॉक्टर इन यूपी गवर्नमेंट, तो इसलिए जो है वी कीप ऑन शिफ्टिंग आफ्टर 3 years, एंड जो है लैंग्वेज चेंजेस सिटी के हिसाब से लैंग्वेज चेंज होती गई, मिलती गई जुलती गई. तो इट्स ऑल अबाउट दैट. फिर जैसे मैंने कहा, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो इज समथिंग मतलब फर्स्ट एड वगैरह, ड्रेसिंग वैसे करना, इवन कहते हैं आई कैन फ्रैक्चर को कैसे करना, आई यूज टू डू दैट थिंग विद हिम. तो आपका एक अपने आप ही एक आपका एसोसिएशन हो जाता है ह्यूमैनिटी के साथ. तो मेरा कहते हैं एनजीओ के साथ वास्ता पड़ा है 2006 में, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बैंगलोर में थी. तो तब से मैंने एनजीओस में काम करना शुरू किया, एंड आई हैव वर्क विद नियर बाई 7-8 एनजीओस जो लोकल एनजीओस थे. फिर 2008 में वी शिफ्टेड टू बैंगलोर, एंड सॉरी वी शिफ्टेड टू गुड़गांव, और गुड़गांव में आई हैव वर्क विद मैनी एनजीओस. और 2017 में आई फेल वाई नॉट आई ओपन माई एनजीओ. तो तब मेरा ये नॉन प्रॉफिट एनजीओ खुला था, कार्यशाला फाउंडेशन, और इसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम वर्कशॉप करवाएं. कार्यशाला का मीनिंग है वर्कशॉप. तो हमारा ये था वर्कशॉप ट्रेनिंग की तरह, हम कैसे जो है लोगों की जिंदगी में चेंज ला सकते हैं, चाहे वो पॉवर्टी लाइन हो,
तो इसी को हमने साथ में लेते हुए मैंने एक कार्यशाला फाउंडेशन बनाई। वाओ, वेरी नाइस। सो व्हेन यू स्टार्टेड विद कार्यशाला फाउंडेशन, वर यू डूइंग समथिंग एल्स आल्सो बिफोर दैट? आपका कुछ और भी प्रोफेशनल लाइफ रही है, और इट वाज डायरेक्टली इनटू दिस? सी, जैसे मैंने आपको कहा, मेरे पापा जो है वो सर्विस में थे, देखी कि आप कीप ऑन शिफ्टिंग, माय हस्बैंड ही इज आल्सो इन सर्विस, तो हम लोगों का चेंज होता गया। तो वही है, हम सिटी के हिसाब से इस फीमेल ओनली, सी आदमी अपना करियर नहीं चेंज कर सकता, ही इज अ मेन ब्रेड अर्नर इन माय फैमिली। फीमेल्स भी होती है मेन ब्रेड अर्नर, बट मेरी फैमिली है, माय हस्बैंड इज अ मेन ब्रेड अर्नर। तो यही था कि मैं उन्हीं के हिसाब से आई कीप ऑन शिफ्टिंग माय करियर, आई कीप ऑन ग्रोइंग, आई कीप ऑन लर्निंग, आई कीप ऑन गेटिंग ट्रेनिंग, टेकिंग ट्रेनिंग। तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी एज अ बीइंग अ फैकल्टी इन NIIT मेरठ, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग थी। फिर हस्बैंड के साथ मैं दुबई गई, दुबई में आई वर्कड एज अ एम्बेसी टीचर, हिंदी टीचर। फिर चेंज हुआ, फिर जब हम गुड़गांव आए तो आई वॉज वर्किंग विद कोटेक कॉर्पोरेट, आपको पता ही है कोटेक का इतना नाम है, सो आई वॉज वर्किंग विद दैम। तो इट वॉज समथिंग इज ए मिक्सड लाइफ लाइन, कोर्सेज करते जाओ, नई चीज़ें सीखते जाओ और नई नई चीज़ें में हाथ डालते जाओ, दैट्स वॉट आई बिलीव, बिकॉज जैसे लर्निंग बंद हो गई सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसी को लेते हुए जिंदगी का सफर चलता चला गया। राइट। सो अब जो कार्यशाला फाउंडेशन में आप जिनको आप वर्कशॉप्स आपकी चल रही हैं, वो किन लेडीज के लिए चलती हैं बेसिकली? इज इट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड और फॉर हूम एग्जैक्टली? सी, ये वर्कशॉप हमारी ना दोनों के लिए चलती है, क्योंकि सी प्रॉब्लम्स जो है ना 50% फीमेल्स की सेम होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है। तो हमारा मानना ये है कि आप वर्कशॉप, हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन में और स्लम में रहते हो आप नहीं कर सकते हो, या आप कहते हैं आप अमीर हो तो आप वर्कशॉप में नहीं आ सकते हो, लेकिन दोनों की वर्कशॉप का स्तर डिफरेंट हो जाता है। जो हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए करते हैं, जो हम स्लम में करते हैं, हमारा उनका ये रहता है कि हम उनको ऐसी कोई वर्कशॉप करवाएं जिससे वो कल रोजगार पा सके या आत्मनिर्भर हो सके। प्लस एक हमारा जो बेसिक हम लेके चलते हैं वो है उनका हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, एक वो भी हम वहाँ सिखाते हैं उन्हें। और जो हमारा आ गया अबाउ पॉवर्टी लाइन, हम आपकी, मेरी तरह आपकी तरह जो लेडीज है, उनके लिए हमारी वर्कशॉप्स होती हैं 2-2 घंटे की, जिसमें हम उनको बताते हैं कि आप लाइफ में क्या कर सकती हो और आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। सपोज है, अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, आपको लगता है कि एज ए हॉबी आई वांट टू स्टार्ट ए पेंटिंग, लेकिन आपने पूरा का पूरा 1 महीने का कोर्स या 6 महीने का कोर्स का पेमेंट कर दिया, 3 दिन में आपको फीलिंग आती है मैं तो उसके लिए हुई नहीं। तो व्हाट वी डू ए 2 आवर्स वर्कशॉप, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं यू ट्राई आउट दिस थिंग, उसके बाद यू फील यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, आप ट्रेनर से डायरेक्ट मिल जाइए। अगर यू फील यू डोंट वांट टू कंटिन्यू या आपका इसमें रुझान ही नहीं है, तो इट्स फाइन, इज इट टू आवर वर्कशॉप, यू हैड ए गुड टाइम। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स की वर्कशॉप करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हो गई आपकी, इवन वी डिड ऑन प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड कल तो हमारी मेनोपॉज के ऊपर है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की वर्कशॉप करते रहते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जो लेडीज को नहीं पता है, जैसे फाइनेंसेस हैं वो लोग नहीं देखती हैं, तो हम लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर या स्टॉक मार्केट के ऊपर या एक जनरल हमने टॉपिक ले लिया उस पर करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहता है अबाउ पॉवर्टी लाइन, कि हम उनको एक अवेयरनेस की तरह हम उनको सिखाएं, उसके बाद उनकी इच्छा है तो वो हमारे साथ फुल कोर्स करें, नहीं है तो भाई टाटा बाय बाय। राइट राइट राइट। तो ये जो आपके ट्रेनर्स आते हैं, ये ट्रेनर्स आपके पेड ट्रेनर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं, ये ट्रेनर्स कौन हैं आपके? सी, इसमें ना हमारे मिक्स ट्रेनर्स हैं, क्योंकि कई लोग आते हैं वो चाहते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज जो है हम थोड़ा टाइम हम सोसाइटी को वापस करें, तो वो हमारे वॉलंटियर ट्रेनर्स हो जाते हैं। और कुछ इसमें आते हैं जो कि जिनका ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, तो वो हमारे फ्रीलांस ट्रेनर्स हैं, उनको हमें जिस तरह से पेमेंट मिलता है हम उनका वही पेमेंट हम उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने रिक्रूट कर रखे हैं, हमने ट्रेनर्स रिक्रूट नहीं कर रखे हैं, बट हमारे पास वॉलेंटियर ट्रेनर्स और फ्रीलांस ट्रेनर्स मिला के हमारे पास करीब 20-25 ट्रेनर्स हैं। तो आपको जिसमें भी आपको चाहिए वर्कशॉप, चाहे वो
गार्डनिंग की हो, हाउस कीपिंग की हो, या कॉर्पोरेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव लेवल की आपको ट्रेनिंग चाहिए, लीडरशिप के ऊपर, किसी के ऊपर भी, तो हमारे पास ट्रेनर्स रहते हैं और हम वो ट्रेनिंग देते हैं. राइट. So when we talk about paid trainers, Swati, so how do you manage the funds? Like, how is the foundation getting funded? See, इस वक्त मैं कहूँगी we are in crisis क्योंकि हमने 2017 से start किया था और it's self-funded, funded being by the family, मेरे husband और मेरी mother जो हैं वो इसको fund कर रही हैं. तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त वी आर इन क्राइसिस और अगर कोई हेल्प कर सके हम थ्रू डोनेशन या हमारी वर्कशॉप लेके, वी विल बी वेरी हेल्पफुल टू दैट पर्सन. और इसके अलावा एक हमारी जो है रेलवे रोड पे हमारा वर्कशॉप है जो कि स्लम एरियाज के लिए है, तो मेरी कोशिश रहती है चाहे कितना क्राइसिस हो हम वो वर्कशॉप बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो वर्कशॉप हमारी स्लम लेडीज के लिए है, क्योंकि वो जब अगर वर्कशॉप करेंगी तभी वो जो है आगे ग्रो कर पाएंगी. राइट. इनफैक्ट यही मैं आपसे नेक्स्ट पूछने वाली थी कि यू नो लाइक अभी जैसे फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है एंड लॉकडाउन भी हो गया, सो आर यू स्टिल कंडक्टिंग द क्लासेस, आर द सेशन स्टिल गोइंग ऑन, ऑनलाइन है, कैसे हैं, या फाइनेंशियल्स की वजह से कुछ रुक गया है, सो हाउ इज इट हैपनिंग नाउ? तो उसके अंदर ये है सी फाइनेंशियल्स की वजह से हमने स्लम्स की नहीं की है, बिल्कुल भी रोकी नहीं है, वो हमारी चलती रहती है. चाहे हम मतलब आई विल से माई ट्रेनर इज वेरी नाइस कि अगर पैसे नहीं मिलते हैं, एक दो महीने लेट हो जाते हैं, वो नहीं करती हैं, रोकती नहीं है, क्योंकि वो हमारा 6 महीने, 3 महीने और 1 साल का कोर्स होता है जो हम वहाँ लेडीज को करवाते हैं, तो हम वो नहीं रोकते हैं. हाँ, और ये जो आपकी थैंक्स टू दिस थिंग कि मेरे लिए मैं कहूँगी कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो मुझे इवन फॉर प्रिविलेज लेडीज आई डोंट हैव टू हायर अ प्लेस और समथिंग, तो मेरा फाइनेंस वहाँ पे बच जाते हैं थोड़े. और मैं वर्चुअली हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो इट्स समथिंग वी आर एबल टू मैनेज, बट ये है कि कब तक मैनेज कर पाएंगे, दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम. या और मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि हम लोग जो प्रिविलेज लेडीज है, हम लोग जो वर्कशॉप करते हैं, दे आर फॉर 50 रुपीज और 100 रुपीज. इट्स नॉट ए बिग अमाउंट कि आप जो है नहीं पे कर सकते हैं, बल्कि दुख होता है देख के जब लेडीज कहती हैं कि हमें ज्वाइन करना है फ्री में करवा दो. इसी 50 रुपए, 40 रुपए की तो यहाँ पे गुड़गांव में ब्रेड आती है. I know. But लेकिन it's a sad part कि when you say we are running a foundation, सबको लगता है पर फ्री में दे दो और पिक्चर खींच के उनकी डाल दो. नहीं, और वैसे भी कोई स्किल ही ऐड हो रहा है, एंड कौन सा स्किल आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा? सो दैट्स लाइक समथिंग व्हिच इज यू नो इट इज अ विन विन बोथ साइड आई वुड से, कि फाउंडेशन के लिए भी फायदा है और जो स्किल ले रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है. बिकॉज ये जो कोर्सेज मैंने आपके देखे हैं, ये कहीं भी यू नो लाइक दे ऑल रेंज फ्रॉम 10,000 to 15,000, और फिर अपने घर से निकलकर रोज जाना वहां करना कोर्स और पूरा पूरा दिन घर छोड़ के जाना. सो ऑल दिस इज यू नो इफ यू सी दैट एज अ बिगर पिक्चर, ये तो कुछ भी नहीं है, एंड फाउंडेशन को थोड़ी फंडिंग हो जाएगी. सो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू स्टार्टेड. And my next thing related to this would be कि फिर अब आप किस तरह से देखते हो, how do you see कि किस तरह से आपको help पहुँचे या आए, आपका जो foundation है वो चलता रहे, what kind of you know help are you looking for? Cooperation I would say from people. For that we will like कि आप आओ join करो हमें as a volunteer, और आपको लगता है आपकी कोई expertise है, प्लीज टेक वर्कशॉप फॉर अस. सी इसके अंदर वी आर नॉट गेट एनीथिंग, लेकिन आपने किसी लेडी को भी अगर हेल्प कर दी तो इज ए मेकिंग अ डिफरेंस फॉर अस ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने एक लेडी को खड़ा कर दिया है, उससे बड़ी बात क्या है. प्लस वी आर लुकिंग फॉर सम CSR एक्टिविटीज, या कोई कॉपरेट हो जिसको ट्रेनिंग करवानी हो, ट्रेनर्स हमारे पास है, सो दे कैन पे अस एंड वी कैन डू द ट्रेनिंग. तो हमारे पास वी आर एबल टू पे द ट्रेनर ऑल्सो, हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और थोड़ा बहुत हमारे फाउंडेशन के पास भी बच रहा है जिससे हम कि आगे गो ऑन मूव ऑन कर सके. तो बेसिकली अभी तो मैं देख रही हूँ कि हमारे पास जो है वॉलेंटियर्स थोड़े से और इंक्रीज हो जाएं, तो अभी वी हैव नियर बाई 23 वॉलेंटियर्स, और वी आर प्लानिंग कि हमारे वॉलेंटियर्स थोड़े से बढ़ जाएं. अलॉन्ग विद डैट वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हाँ हमें कोई कॉर्पोरेट एक्टिविटी मिल जाए जिसमें हम ट्रेनिंग करवा सकें या कुछ भी उनके लिए वर्कशॉप कर सकें, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू अस. वाओ, ऑसम, बहुत ही बढ़िया. एंड आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं वो कोऑपरेट करेंगे और हमारा फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन चलता रहेगा.
and you'll keep helping and touching many lives. So that was wonderful. And yeah. So anything else that you would like to say or add on? Yeah, मैं एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी. सी दिस इज बीइंग गोइंग लाइव ऑन वी वुमेन ग्रुप जहां पे 50,000 लेडीज है. सी मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप वॉलंटियर में आगे आइए. अभी हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं, मतलब वी आर इन नियर बाई 11 सिटीज. आप आइए, अपनी सिटी को आगे बढ़ाइए. बी ए वॉलंटियर फ्रॉम योर सिटीज, बिकॉज वॉट वी आर ट्राइंग जैसे गवर्नमेंट का 5 साल का प्लान होता है, सेम हमारा भी 5 साल का प्लान हम लेके चल रहे हैं. वॉट वी आर ट्राइंग कि हम कम्युनिटीज हर सिटी के अंदर बिल्ड कर सकें जहाँ पे हमारी अपनी लेडी से कम्युनिटी हो और वी आर एबल टू हेल्प देम, चाहे वो उनकी पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, वी आर एबल टू हेल्प देम. हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि सिटी टू सिटी हेल्प करना ईजी है, इंटर स्टेट थोड़ा हेल्प करना मुश्किल है और इंटर सिटी भी हेल्प करना मुश्किल है. लेकिन आपके पास ही कोई फीमेल है वो आपको हेल्प कर सके, वो ज्यादा अहमियत देता है. सो वी वांट कि आप आओ, आप सिटी करो. और जो मुझे कभी कभी फील होता है, बिकॉज अभी तो मुझे अप्रैल से ही फील होना शुरू किया है, बिकॉज वी आर गोइंग इन टू फाइनेंशियल क्रंचेस, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम नॉट आस्किंग कि मेंबर्स से कि आप मुझे आप ह्यूज अमाउंट दो, बट इफ यू आर एबल टू मैनेज टू गिव अ डोनेशन ऑफ 100 rupees पर मंथ ऑल्सो, तो वो 100 rupees हमारे लिए 1,000 rupees के बराबर है. एंड इट विल हेल्प अवर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. जो हमारी लेडीज हैं जिनको हम सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, जिनको ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं, जिनको हम हाउस कीपिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, तो हमारा ये जो वर्क है वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा. बिकॉज हम इन लेडीज से कुछ चार्ज नहीं करते, हमारी यही होता है कि हम इनको सिखाएं और इनको काम मिले. तो मैं आई वॉन्ट से कि 100% लेडीज रिक्रूट हो जाती हैं, लेकिन हमारा 60-65% है कि लेडीज को हम एम्प्लॉयमेंट दिलवा पाते हैं. तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके वो जो 100 rupees हमें डोनेट कर रहे हो वो हमारे 1,000 rupees का काम करते हैं, और हमारे एक अगर लेडी की जिंदगी हम चेंज कर सके तो नथिंग मोर देन दैट. या डेफिनेटली. एंड या हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर यू नो टचिंग 50,000 इन योर वी वुमेन ग्रुप. सो वेरी वेल डन. एंड ये वी वुमेन ग्रुप का कैसे मतलब आइडिया आया और ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये तो आई मीन लाइक यू नो दिस इज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी आल्सो, आई वांट टू नो दिस. सी 50,000 आप टच कर गए हो, तो दैट इज अमेजिंग अमेजिंग. या थैंक यू सो मच. हम लोग ये परसों हमने 50,000 का ब्रेक भी अचीव किया है. एंड दिस वी वुमेन ग्रुप वाज स्टार्टेड इन 2014 जून 2014, तो आप समझो इसको 7 साल हो गए हैं. बट इट वॉज ए वेरी क्लोज कम्युनिटी जिसके अंदर मैंने माई फादर वॉज मूविंग फ्रॉम सिटी टू सिटी. तो हमने जो किया था वो मैंने अपनी सारी स्कूल की फ्रेंड, कॉलेज की फ्रेंड को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की थी, और उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को बुला के इकट्ठा किया था. और इट वॉज हम लोग इट वॉज नथिंग कमर्शियल, नथिंग, क्योंकि फ्रेंड्स थे, हम एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, इट वॉज रनिंग लाइक दैट. ये दिवाली 2019 में हम जाके नियर बाई 5,000 की कम्युनिटी थी, जिसके अंदर इट वॉज मोस्टली नॉलेज शेयरिंग, मेंटरिंग ईच अदर एंड हेल्पिंग ईच अदर. नथिंग कमर्शियल, नो कोई बेचना नहीं, कुछ नहीं. वॉट वी कैन हेल्प समबडी आस्क हेल्प एंड वी गॉट इट. और इन दिवाली के आसपास हमारे पास ईमेल आया एक फेसबुक से कि यू आर बी इन्वाइटेड इन फेसबुक हेडक्वार्टर गुड़गांव. तो जैसे होता है ना जंग मेल, मैं कहा जंग मेल है आजकल, वैसे भी बैंक्स की बहुत आती हैं, ये निकला है वो निकला है, वी डिडंट टेक इट सीरियसली. फिर नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने कहा ये नंबर दे रखा है ना, कॉल करके देखो. तो हमने कॉल किया, जब कॉल किया तो इट वॉज फेसबुक ऑफिस नंबर एंड दे टोल्ड अस कि हाँ इस वीकेंड में आपको सैटरडे को आना है एंड यू विल बी कम, आपके जो भी एडमिन है आपको आना है. तो मी एंड माई एल्डर डॉटर, शी वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज डेड एडमिन, एडमिन नाम के लिए रख रखा था उसको मैंने टू मेक हर हैप्पी एंड शी वॉज डूइंग नथिंग. तो मैं उसको लेके हम फेसबुक पे ग्रुप हम पहुंचे, थोड़ी घबराहट भी थी, हम पहुंचे भी ऑफिस के अंदर, बट स्टिल वहाँ पे देखा देयर वॉज अ बिग सेलिब्रेशन ओवर देयर. इट वॉज नॉट फॉर अस बट लेकिन पैन इंडिया से उन्होंने करीब 20-25 एडमिन्स को बुला रखा था जो अपने अपने ग्रुप्स में बहुत अच्छा काम कर रहे थे. तो देयर वॉज एडमिन फ्रॉम द पेरेंटिंग ग्रुप, फ्रॉम द काउंसलिंग ग्रुप, फ्रॉम कैरियर ग्रुप, और हमारा नाम उसमें था बेस्ट फॉर बींग ए मेंटरशिप ग्रुप. वाओ. हाँ, तो वहाँ से हमारा जर्नी चेंज हुई. वी गॉट मेंटरिंग फ्रॉम फेसबुक इंडिया
एंड वी वर ब्रॉट ओवर देयर. उन्होंने बताया हाउ टू रन द ग्रुप एंड स्टिल वी हैव गॉट वन पर्सन फ्रॉम फेसबुक हु हेल्प्स अस टू मैनेज द ग्रुप कि कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है. एंड आइडियाज वगैरह सब वहीं से हमें थोड़े बहुत मिले, थोड़े बहुत हमने एड ऑन किए. और 2 साल के अंदर, मैं कहूँगी 1.5 साल के अंदर, फ्रॉम 5,000 वी आर नाउ 50,000. हाँ, और शायद कोविड ना होता तो हम मार्च 2020 में वी वर इनवाइटेड, वी मस्ट हैव बीन इनवाइटेड फॉर द सिएटल हेड ऑफिस फेसबुक टू बी ओवर देयर, बट एवरीथिंग इज फाइन, वी विल गो सम डे एल्स. या कभी ना कभी आएगा. अमेजिंग, आई नो आएगा आएगा, मुझे भी साथ लेके चलना. तो इट इज समथिंग. तो नाउ माय डॉटर एल्डर वन, शी, उसके बाद उसको भी लगा मम्मा कुछ कर रही है, तो उसके बाद वो भी पूरा इन्वॉल्वड है. सो वी, आई नो, एंड द वे शी गेव द लाइव यस्टरडे, दैट वाज इनक्रेडिबल. बहुत ही अच्छा लाइव दिया, और उसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, मैंने पूरा सुना बैठ के कल. दैट वाज रियली ग्रेट. या तो यस. So any other message or anything that you would like to talk about, or we can see if the audience have any questions for you? मेरे ख्याल से जो मुझे मैसेज देना है वो मैं बाद में देती हूँ. ऑडियंस से क्वेश्चन बाद में लेंगे. पहले राधिका, आज आपकी लाइफ के बारे में जाना चाहे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके बारे में जाने. जरूर पूछो अब आप. शूट. हाँ, तो मेरा पूछना ये है, सी जब ये ऐश्वर्या राय, हमने मिसेस इंडिया तक तो हमने बचपन में कभी नहीं सुना था, बीइंग वेरी फ्रैंकली. और शायद मतलब वी वर इन यूपी, पापा यूपी गवर्नमेंट में थे, तो हमेशा हम छोटे टाउन में रहे. तो हमारे लिए जब ऐश्वर्या राय बच्चन और मिसेस कृष्ण बनी थी मिस इंडिया, हमें याद है हम लोग उस समय बैठ के हमने पूरा प्रोग्राम देखा था. And it was something a dream, just like dream ki haan ye aisa hota hai. And I was in my early teens at that time. So ek bahut glamorous lagta tha us waqt ye sab cheez, aur abhi bhi lagti hai. Main ye nahi kahungi nahi tha, but abhi bhi lagta hai. But thoda shayad age ke hisab se hum kam ho gaya hai, but still us waqt lagta tha. To aapki ye journey jo hai wahan tak ki crown jeetne tak ki journey, aur aapka bahar jana crown jeet ke lana, तो थोड़ा मुझे आप अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड और इस जर्नी के बारे में बताइए. सो जर्नी, एज मैंने इंट्रो में अभी कहा ही था कि मतलब ये ग्लैमर जो है मुझे तो हमेशा से ही अट्रैक्ट करता रहा है. एंड दैट इज लाइक, यू नो, मे बी बिकॉज ऑफ माई डैड्स प्रोफेशन एंड ऑल्सो आई वॉज लाइक, यू नो, सॉर्ट ऑफ इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट. So, वो तो एक चीज थी ही. एंड बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग विद थिएटर या मूवीज और समथिंग, बट वो कभी मौका भी मिला, लेकिन somehow वो उतना मुझे लगा नहीं कि मुझे उस तरफ जाना है. सो दैट वॉज समथिंग विच सॉर्ट ऑफ, यू नो, पर मेरे दिल दिमाग में हमेशा अड़ा रहा कि मुझे कुछ तो करना है ऐसा. बट एनी वे, फिर एज आई टोल्ड यू, आई गॉट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, और हम उसके बाद फिर हमें एक डिसीजन लेना था. डिसीजन वाज कि इधर, यू नो, वी स्टे सेपरेटली एंड आई कंटिन्यू विद माय फ्लाइंग जॉब एंड ही कैरीज ऑन विद हिज जॉब. बट देन, यू नो, आई थॉट कि फिर उस ऐसे क्या फायदा होगा, मैरिड लाइफ फिर मजा नहीं आया था कि ऐसे अलग अलग रहो. सो आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब. एंड देन, यू नो, लाइक 8 years तक तो हम यही करते रहे कि बच्चे हो गए एंड आई वांटेड टू बी अ कंप्लीटली डिवोटेड मदर, सो दैट आई डिड. बट देन आफ्टर दैट, एक होता है कि जब आपने जॉब की होती है तो उसके बाद आपका दिल करना शुरू कर जाता है कि नहीं, मुझे, आई वांट टू गो बैक टू माय वर्क. सो दैट अपॉर्चुनिटी लकीली आई गॉट इन चंडीगढ़ व्हेन माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू चंडी मंदिर कैंट. एंड वहां पे एक फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट करके for air hostess training start hua, and there I got the chance to teach as an aviation trainer, as a senior consultant for grooming and aviation. So jo maine jo jitna saal maine fly nahi kiya hoga usse zyada saal maine ye training di, like I must have flown only for 3.5 years, and for about 12 years 10 11 years I think I did this job of a trainer. तो इसके बाद हम लोगों की पोस्टिंग जो थी वो तो होती रही. बट देन आई मूव टू गुड़गांव. गुड़गांव में जब मैं थी तो मैंने एक दिन ऐसे ही फेसबुक पे बैठे हुए थे हम, तो हमने ये एड देखा.
सॉरी राधिका, आपकी वॉइस ना बहुत लो आ रही है फेसबुक के अंदर लाइव में, लो आ रही है? हाँ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम तो मेरा फुल है। ये अब बेटर है? बेटर है अभी? हाँ हाँ अब बेटर है। ओके सो राइट, सो यू नो लाइक व्हेन आई वाज इन गुड़गांव, सो देयर एट वन डे आई सॉ दिस एड फ्रॉम मिसेस इंडिया पेजेंट्स एंड प्रोडक्शंस। इज माय वॉइस क्लियर नाउ? या इट्स बेटर? इट्स बेटर? ओके ऑल राइट। सो मिसेस इंडिया पेजेंट्स एंड प्रोडक्शंस का एक एड था जिसमें यू नो लाइक आई सॉ कि इसमें एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, एनी मैरिड वुमन कैन पार्टिसिपेट, जिसमें हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया ये सब नहीं था। सो दैट इज द टाइम यू नो लाइक आई थॉट ऑफ टेकिंग अ चांस, और वो चांस हमने बस ऐसे ही मस्ती में लिया था। आई स्पोक टू माई चिल्ड्रन एंड बच्चे कहते मॉम देख लो क्या लगेगा यू नो लाइक इस एज में। फिर उसके बाद दो तीन दिन बाद दे ओनली सेड कि नहीं नहीं मॉम यू मस्ट डू इट, यू मस्ट ट्राई। सो माई डॉटर ओनली यू नो शी वेंट लॉन्ग विथ मी, और जैसे आप कह रहे हो कि आपकी डॉटर ने सपोर्ट किया, सो यहाँ पे मेरी डॉटर ने सपोर्ट किया, शी सेड चलो चलते हैं और आपका ऑडिशन देकर आते हैं। सो वी डिड द ऑडिशंस फॉर मिसेस दिल्ली फर्स्ट एंड आई गॉट सिलेक्टेड, और फिर उसके बाद थ्री डिफरेंट लेवल्स थे। वी हैड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वी हैड तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आई गॉट, और जोनल लेवल जो भी कह लें आप उसको। सो मिसेस दिल्ली में आई गॉट द रनर्स अप, एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम लोग फर्स्ट थ्री जितने भी थे वो हम मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सो वहाँ पे आई वन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया, एंड मिसेस इंडिया विन करने के बाद देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर मिसेस एशिया इंटरनेशनल विच वॉज कंडक्टेड इन थाईलैंड इन कोसमुई। सो वहाँ पे फिर अगेन वी कम्पीटेड, डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, एंड इट वॉज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी आई वुड से, बहुत ही मज़ा आया। एंड वहाँ पे आई वन द मिसेस पर्सनैलिटी क्वीन, एंड देन या एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ऑसम राधिका, मतलब इस अमेजिंग जर्नी, क्योंकि देखो सबको लगता है कहीं कुछ जीत लो कि बहुत इजी था इनके लिए, लेकिन एक्चुअल में लाइफ किसी की इजी नहीं होती है, सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन है, जिसका नहीं पता है उसका बहुत अच्छा लगता है, और अगर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में नहीं है तो जिंदगी में मजा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं एक्चुअली। एंड यू नो आई हैड जस्ट लॉस्ट माय मदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मैं थोड़ी वैसे भी बड़ी लो थी उस टाइम पर। सो दैट इज व्हाई यू नो प्रॉब्ली माय चिल्ड्रन सेड कि नहीं मॉम यू मस्ट, आप करो। एंड जॉब भी मैंने उस टाइम पर छोड़ दिया था, सो यू नो आई वॉज लूजिंग माई ओन पर्सनल सेल्फ ऑल्सो, मेरी सेल्फ एस्टीम भी थोड़ी उतनी हाई नहीं थी। So after getting back to, you know, like after winning this title, it was such a morale booster. मुझे फिर से अपनी identity feel होने लगी कि हाँ मतलब अभी भी मैंने कुछ किया है। And would you imagine, I was 45 plus at that point of time. मैंने classic category में participate किया था, and with height of 5'3", and weight also was like अगर आप मेरी Mrs. Delhi की pictures देखोगे तो थोड़ी plumpish हूँ मैं। उसके बाद मैंने जो अपने लिए workout करना शुरू किया वो एक अलग ही मजा था कि you know like working out and you know losing weight and again coming back to shape and everything, so that was like something you know that was really nice, interesting journey it was. See, it's very awesome. मतलब इस इन मतलब मैं कहूँगी बहुत बढ़िया आपकी मतलब लाइफ है, मतलब अप्स एंड डाउन्स दोनों, एंड इट्स समथिंग, इट्स अ पैशन, से अपने आप ही पैशन आ गया कि मुझे वेट लूज करना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। इट इज समथिंग मतलब कि जिसने आपकी लाइफ चेंज किया, आई विल से इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। एब्सोल्युटली, मुझे नहीं पता है उस वक्त घबराहट भी कितनी हो रही होगी। वही, इट्स नॉट एन इजी जॉब, मतलब बिल्कुल बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स। बिल्कुल, और हमें एक टॉक शो करना चाहिए बल्कि इस टॉपिक के ऊपर, सो आई थिंक वी शुड ब्रिंग इन सम स्पीकर्स लाइक दैट जो हमें बताएं कि ये एक्चुअली इनसाइड स्टोरी क्या है पेजेंट्स की। एब्सोल्युटली राधिका, एब्सोल्युटली वी शुड डू दैट, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मुझे है, मुझे ना हमें अभी भी शायद मुझे नहीं पता मेरे बच्चों को इतना है, लेकिन मुझे एक करेज रहता है कि क्राउन है, इट इज समथिंग, इसको जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड को बोल दिया गया है कि कंपेयर्ड विद द लव जितना प्यारा, उससे क्राउन का है कि क्राउन जो है यू, इट मेक्स यू फील वंडरफुल। इवन आप ये छोड़ो ना, आप कहते हैं स्मॉल जो सोसाइटी के फंक्शन होते हैं उसमें आप टीच क्वीन भी बन जाओ
तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है, या रनर अप में भी आ जाओ, यू फील सो गुड. तो सेम अगर आप पूरी मतलब कंट्री के अंदर आप क्राउन जीत रहे हो, या पूरी कहते हैं वर्ल्ड के अंदर क्राउन जीत रहे हो, या एशिया पैसिफिक में जीत रहे हो, इट इज समथिंग अमेजिंग फीलिंग. तो आई थिंक वी शुड डू दिस थिंग कि हाँ पेजेंट्स में कैसे जा सकते हैं, कैसे आप इससे समथिंग लाइक ड्रीम कम ट्रू आई विल से. Definitely. और हमारा टीच क्वीन जो हम सोच रहे हैं ऑर्गेनाइज करने की, सो आई थिंक लेडीज शुड कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट. इनको एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस फील होगा, एंड आई वुड लाइक टू अपील ऑल द लेडीज की करो पार्टिसिपेट, मजा आएगा. हाँ ऑफ कोर्स, मतलब इट इज समथिंग मेन मुझे निकला टीच के बारे में, शायद मेरे दिमाग में टीच क्वीन का ही चल रहा था तभी मुझे निकला. And it's amazing. We are having three to four rounds. It's amazing to take part. We learned a lot in that. And it's a crown jeetna. Wahi main keh rahi hoon. Kehte hain pan India level pe crown jeetna is amazing. Society mein jeetna, pan India mein jeetna is amazing. Chahe wo teach kyun kyun na ho. I know. Kisi bhi level par aur kuch bhi ho. I think participation matters. Sabse badi baat. और ये छोटे छोटे अगर आप शुरू करोगे तो, बिकॉज अभी तो लॉकडाउन है तो कुछ ज्यादा तो हो भी नहीं रहा है, सो यू नो लाइक दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ एक रिहर्सल हो जाएगी लेडीज के लिए, अगर वो सोच रही हैं आगे बिगर लेवल पर जाने की. करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू. आई टोटली एग्री विद यू कि आपकी जो डर है, जो शर्म है, वो निकल जाएगी. और प्लस हम जो अभी जैसे यू नो लाइक आई हैव स्टार्टेड डूइंग पेजेंट कोचिंग, सो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो अभी तो यू नो लाइक फ्री में वी गिविंग ऑल द यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स, तो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट आल्सो. ऑफ कोर्स जिसने क्राउन जीता है वही का टिप्स देगी कि आपकी छोटी, क्योंकि आपको छोटी मोटी चीजें नहीं पता होती. मैं आपसे मिली थी जब आपने क्राउन जीता था, सो थ्रू ए फ्रेंड दीप माला, मुझे आज भी याद है, यू टोल्ड मी ए स्मॉल ट्रिक कि जैसे मैंने पूछा था कि आप हील कैसे पहन सकते हो इतने घंटे से, यू टोल्ड मी कि इसकी अलग से हील्स आती हैं एंड दे कॉस्ट नियर बाय 40,000, आई स्टिल रिमेंबर. यू टोल्ड मी कि उसके अंदर आपको पेन वगैरह कुछ महसूस नहीं होता है. आई फील कि कहते हैं जो जितने भी सेलिब्रिटीज है, हमें लगता है दे आर वॉकिंग लाइक दैट इनके, और हम तो एक घंटे में हमारी हील्स में पेन हो जाता है. तो दीज आर द स्मॉल टिप्स व्हाट द पर्सन लाइक मी डज नॉट नो. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे भी बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पता है क्या टिप्स हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कि आप किसी पार्टी में भी जाएं तो आपके हील्स के मारे पैरों में दर्द ना हो. बिल्कुल बिल्कुल, आई नो. और कुछ नहीं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स ही मिल जाएंगे. करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू. राइट, अच्छा अब मैं आती हूँ दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि आपने हमारे साथ कार्यशाला फाउंडेशन के साथ किया था टैरो रीडिंग वर्कशॉप. आपने सिखाया था कि टैरो कार्ड्स कैसे पढ़ते हैं, इट वाज ए वन वीक प्रोग्राम जिसने आपने सिखाया था. तो अब मैं पूछना चाहती हूँ, बीइंग अ ट्रेनर टू ए टैरो कार्ड रीडर, हाउ डस दिस हैपन, हाउ दिस जर्नी हैपन. तो ये भी अपने आप में मतलब आई थिंक ये डिवाइन गाइडेंस ही होती है कि हम कैसे एक इस जर्नी पर चल पड़ते हैं. सो ये एक बार यू नो लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लाइफ में, सो ऐसे ही एक टाइम पे समवेयर अराउंड 2009 मुझे कुछ ऐसे ही मन था कि मैं कुछ पता करूं एस्ट्रोलॉजर से. दो यू नो लाइक आई बीइंग फ्रॉम द आर्य समाजी बैकग्राउंड, हमारी तो जन्मपत्री वगैरह भी कुछ नहीं है, सो फिर भी मतलब यू नो लाइक आई हैड अ फीलिंग कि पता करूं मैं कि क्या है, मतलब ऐसे ही कुछ सिचुएशन जो चल रही थी वो क्यों चल रही है. So that was the time when a friend of mine suggested ki uski ek friend hai tarot reader and she's a very good tarot reader, so I should consult her. And she said ki I didn't know anything about tarot. She said ki ye short term readings hoti hai, short term mein aapko direction guidance milti hai iske through, and you would know ki Radhika, sorry aapki fir se awaaz nahi aa rahi hai, clear nahi ho rahi hai. Oh, I think some connectivity issue, but now it's fine, now it's fine, now it's good. Okay, so okay, so I got connected to a tarot reader through a friend of mine, and that is how you know, like she told me ki mera jo life path ki usne reading kari, aur usne mujhe bataya ki life path mein if I also take this route of you know any spirituality, any modality, not necessarily tarot reading, kuch bhi, so it would be like you know it would do through me, when I do good for others, it will help me also.
So that is how, you know, like I thought ki why not then tarot reading, and I started my journey as a tarot reader. Matlab usi se hi maine training pehle li, and then I did certification of angel oracle cards from Doreen Virtue, and then from Biddy Tarot I did an advanced course. So is tarah se meri journey is path pe shuru ho gayi, and I started reading initially for friends and family members, and gradually by word of mouth, you know, mera ye aage badhta hi chala gaya, and by grace of God, you know, abhi tak jitne bhi direction guidance main deti aa rahi hu, so I would not say 100%, but yeah, it's 75-80% tak almost, you know, people feel say ki ha ye bilkul correct aa raha hai aur directions theek mil rahi hai life mein. So yeah, so that is how the journey started. और फिर उसके आगे फिर मैंने और certifications लेने शुरू किए. मैंने switch words का course किया, numerology का course किया. So और अभी मैं I have, you know, like I haven't told many people, but yeah, I'm doing you know, research in tarot, where, you know, like I'm trying to find out more about the effectiveness of remedies in tarot. कि और कैसे हम remedies देके लोगों को help कर सकते हैं. So that's how my journey has been till now. Yeah. Awesome, Radhika. Awesome. Matlab, is something I will say, you are a multi-talented lady. थैंक यू स्वाति. ये तो पता नहीं, बट एक तो मेरे को लर्निंग का बहुत शौक है कि मैं पढ़ती रहूं, सो प्रोबेबली ये भी एक रीजन हो सकता है कि मैं कोर्सेज करती चली जाती हूँ. एक कोर्स खत्म होता है फिर मैं दूसरा शुरू कर देती हूँ. But I will say this is a good thing कि हम लर्निंग कर रहे हैं, और मुझे कई बार मुझे ताज्जुब भी होता है बिकॉज मैं लेडीज से मिलती हूँ, मैं कहती हूँ आपको आप क्यों नहीं वर्कशॉप में आती है, तो जैसे कि मुझे सब आता है तो मैं चुप कर जाती हूँ. बट आई फील समटाइम्स कि यार ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको हर चीज आती हो, एंड कहते हैं एंड जिस दिन आपकी लर्निंग खत्म हो गई आई फील कि आपकी लाइफ भी जो ना थोड़ी अनसेटल हो गई है, बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स. हम मतलब मरने दम तक जो है हम लर्न ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ. हम आई हैं दुनिया में लर्न करने के लिए हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ठीक बात कही आपने. दैट इज व्हाट वी आर, टिल आवर लास्ट ब्रेथ वी शुड कीप लर्निंग एंड वी शुड बी अ लर्नर. And that is what I feel right now. You know, like जितनी हमारे अंदर जो जैसे अभी आप बोल भी रहे थे कि जो हमने लर्न किया है उसको आगे हम अपने स्किल को बढ़ाते रहें, अपने तक ही ना रखें. So you know, like that's how like even I want to go forward, keep conducting workshops and keep giving trainings, and you know, like मेरा स्किल जितना भी मुझे जितना पता है उतना I would want to give back to the society also. So that's what my, you know, like future planning is as well. Awesome, awesome, Radhika, awesome. और अगर हमारे कहते हैं हर सिटीज के अंदर होंग हो जाते हैं, let's see, hope for the best, तो हम आप ही को भेजेंगे ट्रेनिंग करने के लिए. Thank you. Fingers crossed. Yeah, I know. Yeah. और मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, what is your bucket list, what you want to do, apart from training and all this stuff, कुछ और सोचें? हाँ, ये और भी बहुत कुछ, बकेट लिस्ट लंबी होती ही चली जाती है, एवरी डे बढ़ती जाती है. लेकिन या ये आपने पूछा, अभी नियर फ्यूचर जो है बिकॉज देर इज अ लॉकडाउन, बट अर्लियर यू नो लाइक आई वांटेड टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट ऑफ माय ओन, कि कुछ शुरू करूं और जहां पर इस तरह से यू नो ट्रेनिंग शुरू करूँ, वेयर इन यू नो लाइक अदर पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन मी एज ट्रेनर्स एंड दे ऑल्सो वट एवर मोडालिटी दे नो ऑफ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव अहेड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ माइंड एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट. बेसिकली ये मेरा अभी जो करंट जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तो यही चल रहा है कि आई शुड स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट. Awesome, awesome. And let's see, Radhika, Karyashala Foundation आपकी कैसे help कर सकती है? And thank you. We can move together. Yeah, sure. एक मेरा question जो मेरे दिमाग में आया है अभी वो ये आया है कि आपने spiritual journey की बात की है. So what does really spiritual means? और secondly, only कि vegetarian people can be spiritual? मतलब एक थोड़ा सा जो लोगों को लगता है कि हम जो है अगर नॉन वेज, आई एम प्योर वेजिटेरियन बट लेकिन थोड़ा होता है कि नॉन वेज जो खा रहे हैं कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल पाथ में नहीं जा सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम गाइड कर पाएंगे क्या हमें? सो स्पिरिचुअलिटी तो वैसे तो एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, इसको मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से तो बताना थोड़ा मुश्किल है. बट यू नो लाइक स्टिल आई वुड ट्राई टू यू नो डिफरेंशिएट बिटवीन, बिकॉज पीपल गेट कंफ्यूज्ड की स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग रिलीजियस. सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली.
बीइंग रिलीजियस मींस कि हम जो पूजा प्रार्थना करते हैं एवरी डे एवरी मॉर्निंग या कोई फास्ट रखते हैं, सो दैट वी डू फॉर आवर ओन सेल्फ, हम अपने लिए करते हैं कि भगवान हमारे को ये दे दे या हमारी हेल्थ अच्छी रखे या हमारा मनी ग्रो करे, हम अपने करियर में ग्रो करें. सो दैट इज लाइक बीइंग रिलीजियस. बट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जब हम मैं से हटके और हम में चले जाते हैं. वी आर कंसर्न्ड मोर अबाउट everybody, we're concerned about humanity at large, and not just humanity, like, you know, like anybody can be an animal lover or anybody, you know, like people who love plants and take care of plants and all. So this is all what basically spirituality means, ki hum sirf apne main ke liye hi nahi soch rahe, main aur mere ke liye nahi soch rahe, but we are thinking about humanity at large. I would say something like what even you are doing when you thought about this NGO, that's also a spiritual journey. It's an own self. Not everybody thinks ki hame ek NGO start karna chahiye, hame underprivileged logon ke liye kaam karna chahiye, hame stray dogs ke liye kaam karna chahiye. So when it is not about I, me, myself, but when it is about at a bigger level, when it is about everybody else, ह्यूमैनिटी के लिए, पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, सो दैट इज वॉट अ स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली मीन्स. एंड वेन यू से कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए या हमें यू नो लाइक अल्कोहल से दूर रहना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, सी व्हाई वी से ऑल दिस, दिस इज इन अ वे ये बात ठीक भी है कि होना चाहिए. एंड व्हाई वी से दैट, बिकॉज you know, like for spirituality, what you need is inner calmness. You need to connect yourself with your higher self, with the divine power. So, jab aapko is tarah se connection rakhna hai, to uske liye aapko inner calm, inner peace ki bahut zyada zarurat hai. Aur uske liye aapko meditation ki zarurat hai. And meditation, aajkal each and everybody knows ki meditation kya hai. Meditation mein dhyan lagana padta hai. और वो ध्यान तभी लगेगा जब आप खुद अंदर से शांत होंगे, अदरवाइज नहीं लग पाएगा और मन विचलित रहेगा. और व्हेन वी टेक दीज काइंड ऑफ, व्हेन वी कंज्यूम दीज काइंड ऑफ फूड्स, सो अंदर कहीं ना कहीं वो रहता ही है. व्हेन यू नो लाइक व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ, सो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि सात्विक भोजन खाओ. क्यों? क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है उस टाइम वो पढ़ाई में होना चाहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए. So that is the only reason. Otherwise, if you feel ki aapko, I mean, like despite consuming few food items, you can still maintain that, then it's okay. I mean, like there is no hard and fast rule ki aapko vegetarian hona hai. So that is how I would say. Yes. बहुत अच्छा समझाया राधिका आपने, क्योंकि ये ना थोड़ा मैं जो मैं देखती हूँ अपने आसपास लोगों को होता है कि दे डिफ्रेंशिएट. सो थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दैट सो वेल कि हमें क्यों रीजन है क्या नहीं है. जैसे हमारे जैन्स में होता है कि स्वास्थ्य खाना ही खाना चाहिए, मतलब दे आर सो, मतलब जैन्स के बारे में यू नो कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट यही है कि हाँ दिस इज गुड फॉर अवर ओन हेल्थ, अवर ओन वेल बीइंग. तो वी शुड फॉलो दैम instead of कहते हैं following western culture, I will say, जो हम ज़्यादा. तो मेरे ख्याल से ये आपके बारे में और मेरे बारे में थोड़ी बातें हो गई हैं. अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसे फ्री फोरम, प्लीज आस्क एनीथिंग व्हिच यू लाइक टू नो अबाउट अस, वी आर रेडी टू आंसर. इवन आप अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. इतने कोई टाइप करता है तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी व्यूमेन ग्रुप के अंदर कि कार्यशाला फाउंडेशन, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि वी डू अवर थिंग्स इन ए वेरी गुड वे, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है या आपको हमारी जरूरत नहीं है. सी आप जो है हमारी वर्कशॉप को भी ज्वाइन करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि आप हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे तो आपको कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आपको आज तक नहीं पता था, और वो आप नॉलेज गेन ही कर रहे हैं. और आप एज ए ट्रेनर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप दूसरे को बता सकते हैं कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं है. मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ.
हम लोग म्यूचुअल सॉल्यूशन, हम लोग म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्यों कर रहे हैं वर्कशॉप, क्योंकि हमारे पास फोन्स आते हैं कि आप इन्वेस्ट कर लो इन्वेस्ट कर लो। हम जो है, अगर हमें खुद देखना आता हो कि कैसे स्टॉक्स देखने हैं, तो हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ना हम कल किसी को ब्लेम करेंगे कि पैसा उससे लगवा दिया और चला गया। अगर आप खुद सीखोगे करना, तो आप खुद आप कल अपना मनी हैंडलिंग कर सकते हो। और जो हमने देखा है, लेडीज को मनी हैंडलिंग करनी नहीं आती है। आप कमा रहे हो तो आप क्यों नहीं जो है अपने आप ही इन्वेस्ट करो एंड मेक योर थिंग्स योर मनी ग्रो बिग। सो हम छोटी छोटी, हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत बड़ी वर्कशॉप्स ले रहे हैं, हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स ही ले रहे हैं, जिसके अंदर हम एक आप तरह से कह सकते हैं हम अवेयरनेस ड्राइव ले रहे हैं। एक हम कल हमारी मेनोपॉज के ऊपर है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेनोपॉज। एक हमने रखी है वर्कआउट एट होम, जिसमें हम आपको कुशन योगा सिखाएंगे। एक हम फेस योगा लेके आ रहे हैं, एक वर्कशॉप हमारी है लेटिंग इट गो। एक है कि हम अपने ग्रीवेंस जो हैं, जो भरे पड़े हैं, उनको हम कैसे निकालें। सी, ये छोटी छोटी सी वर्कशॉप है, इट्स नॉट समथिंग कि बहुत बड़ी वर्कशॉप है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्ड करने में जरूर हेल्प करेगी। इतना मेरा दावा है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल वे में आपको ये जरूर हेल्प करेंगी। और हमारे ये चार्जेस जो हैं, दे आर जस्ट 50 रुपीज़। और मुझे जो लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हम सब यहाँ पे एजुकेटेड अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं, हम अपना काम कर रही हैं, 50 रुपीज़ हार्डली मैटर्स। आप 50 रुपीज़ अपने अंदर दो घंटे के लिए आप जरूर इन्वेस्ट कर सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ अब थोड़ा आप वर्कशॉप में आप आइए, वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। प्लस अगर आपको लगता है आपको ये वर्कशॉप ले सकती है और आप जो है कुछ जो है आप दूसरे के लिए कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप आइए। और हमें इस साल हमें फाइनेंशियल एड की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप आइए, आप एक ह्यूज अमाउंट हमें डोनेट कीजिए। इवन योर डोनेशन ऑफ 100 रुपीज़ पर मंथ विल हेल्प अस, क्योंकि हमें पता है हम उस 100 रुपीज़ से हम एक की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कंट्रीब्यूट कीजिए इन एनी वे यू आर। अब तो आप सपोज आप बॉम्बे में भी बैठी हैं, तो आप अगर हमें फिजिकली हेल्प करना चाहती हैं, तो ट्रेनिंग सेशन लेके आप हमारी हेल्प कर सकती हैं, ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करके आप हमारी हेल्प कर सकती हैं। सो अभी तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको जैसे आप चाहें, फाइनेंशियली, फिजिकली, मोटिवेशनली, आप जैसे इस कार्यशाला फाउंडेशन से जुड़ना चाहती हैं, आप जुड़ सकती हैं। अभी मुझे पायल हमारे साथ है, पायल ने मैसेज किया है कि देयर इज अ क्वेरी। सो पायल, ओवर टू यू। पायल आप अपना कैमरा भी ऑन कर लेना। हेलो एवरीवन, amazing, amazing. First, I should congratulate both of you, though I think I am so much, you know, regular in touch with both of you. हमारी बात होती है, बट फिर भी कितना कुछ है जो मुझे भी नहीं पता था, जो मुझे आज इस FB Live से पता चला. So like the purpose was totally, you know, achieved, that you know people should get to know actually what you amazing work that both of you are doing. And I take pride in, you know, saying that I am part of this family too. So yes, and the question that has been put up on the FB forum, which I just saw by Savita Sinha ji, she wants to know, you know, what keeps you motivated for such altruistic initiatives? See, iske liye main kehna chahungi ki it's in my blood. See, being in my family, there are more than 7-8 doctors. Mere chacha ki beti, unka damad, sab everything. Aur bachpan se hum log jo hain, we used to live in गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेडक्वार्टर्स होते हैं डॉक्टर्स के, तो हम लोग वहाँ पे रहते थे. और रात को कहते, उस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ आपको 80s और 90s की, जब कहते मोबाइल फ़ोन नहीं थे और ना ही हर घर के अंदर टेलीफोन थे. किसी अगर केस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केसेस कौन से आते हैं, वो आते हैं बस का, पूरी बस का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, 50 से 60 जने जो हैं वो एकदम आ रहे हैं इंजर्ड हालत में. और डॉक्टर्स कितने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस वक्त का मुझे नहीं पता. उस वक्त डॉक्टर्स 4-5 होते थे, नर्सेज 2-3 होती थी, तो फैमिली ही होती थी जो जाती थी हेल्प करती थी. तो दिस टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग सिंस, मतलब फॉर मी आई एम डूइंग सिंस माय चाइल्डहुड. तो जैसे लोग घबरा जाते हैं खून दे के, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट माइंड दैट, आई डोंट माइंड कहते हैं गेटिंग माई हैंड्स डर्टी इन दैट. तो वो हम शुरू से देखते आ रहे हैं.
मेरे हस्बैंड जब मेरी शादी हुई, माय हस्बैंड ही इज इंजीनियर, तो मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है. सो 2006 में कहते हैं इनकी कंपनी ने एक सीएसआर एक्टिविटी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था यू गो टू द सम एरिया एंड यू गो एंड स्पेंड 2 आवर्स विद देम. तो अपनी इंडियन मेंटेलिटी, आई विल बी वेरी फ्रैंक टू द फोरम बिकॉज सब अपने ही है, अपनी इंडियन मेंटेलिटी होती है चलते हैं, वीकेंड है बच्चों के साथ चलते हैं, तुम 2 घंटे स्पेंड कर लेना, फिर खाना पीना खा के जो है हम घर आ जाएंगे, आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी, तुम्हारा काम का काम हो जाएगा. बट दैट टू हैज चेंज माई लाइफ. जब मैं उस स्लम के अंदर गई और मैंने वहाँ पे उन बच्चों से इंटरेक्ट किया, एंड इट वॉज ए ब्यूटिफुल इंटरेक्शन. उनके क्वेश्चन जो मुझे याद हैं अभी, कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं थे उनके, बस ये थे उनके ड्रीम्स थे कि अंकल आप बताओ कि प्लेन में बैठ के कैसा लगता है, नीचे हम लोग दिखते हैं नहीं दिखते हैं. इट वॉज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि प्लेन में भी कैसे सफ़र करते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या होता है. तो दैट वॉज ए लाइफ चेंजिंग फॉर मी. उसके बाद जो है आई स्टार्टेड गोइंग फॉर 2 आवर्स पर वीक ओवर देयर स्लम एरिया एंड टीचिंग दोज चिल्ड्रन. उनके वहाँ पर लेडीज से मेरा इंट्रैक्शन होना शुरू हुआ. उसके बाद आई वॉलेंटियर फॉर क्राई एंड यूनिसेफ. फिर हम लोग 2008 में गुड़गांव आ गए, तो यहाँ पे भी जो लोकल NGOs हैं थे उस वक्त, बिस दिवास एंड आशीष फाउंडेशन, आई एम नेमिंग द फ्यू, उन सब के साथ जुड़ के मैंने थोड़ा काम किया. और इस तरह करके 2017 में मैंने अपना NGO ये कार्यशाला फाउंडेशन खोला. इसके बीच में मैंने जो मैंने आज पहली बार शेयर कर रही हूँ, आई वॉज अ पार्ट ऑफ एंटी करप्शन सोसाइटी ऑल्सो, और उस वक्त आई वॉज हेडिंग द एरिया ऑफ गुड़गांव. और जो वहाँ पे था जो, और मेरे पास राइट्स थे FIR लिखने के, आई कैन राइट FIR फॉर समबडी एट माई प्लेस ओनली, एंड नेक्स्ट डे हम जाके पुलिस को मैं बता देते थे, मैं बाकायदा स्लिप काट सकती थी. बट स्टिल जो जो मुझे वहाँ फीलिंग आई वो ये आई कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोई भी लेडी आगे आके जो है ना बोलना नहीं चाहती है और ना ही कंप्लेन करना चाहती है. वो रात को फोन कर देगी 2 बजे 1 बजे कि दीदी मुझे पीट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट कभी कंप्लेन नहीं करना चाहती है अपने हस्बैंड के लिए या अपनी फैमिली के लिए. फ्रॉम देयर इट चेंज कि FIR लिखने से कुछ नहीं होता या ऐसे करने से कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस यू डू समथिंग फॉर देम, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है आपके ऊपर कि आप उनके साथ खड़े हुए हो. तो दैट मोटिवेटेड मी. और जैसे पायल आपने कहा आप जुड़ गए हो, आप यू आर हैप्पी विद अस, तो जैसे आप जैसे लोग आते रहते हैं हमारे साथ, तो वी इट मेक अस हैप्पी टू सी अदर हैप्पी एंड वी कीप वी आर बी मोटिवेटेड कि हम जो काम कर रहे हैं हम आगे भी चढ़ के आगे और अच्छा काम कर पाए. वेरी ट्रू. एंड मेरा एक पर्सनल टेक भी है इसमें, आप जो वर्कशॉप्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, आई पर्सनली फील के आप यू सेइंग ना कि लोग 50 and 100 भी नहीं पे करते, आई फील आप बहुत अंडर चार्ज कर रहे हैं. यू शुड चार्ज अ लिटिल मोर, देन मे बी दे विल सी अच्छा इतनी चार्ज है. यू नो लोगों की मेंटालिटी होती है अच्छा ये कर इतने का है तो ये अच्छा होगा. पायल जो आप कह रहे हो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी सोचते हैं हम चार्ज ज्यादा रखें, लेकिन ना इन द एंड आप हमें ये लगता है कि जितनी ज्यादा लेडीज आ सके हमारे लिए उतना अच्छा है. एक्चुअली दिस वाज अ रिप्लाई टू दोज यू नो हु थिंक कि यू नो वो भी नहीं देना है, हमें फ्री में करा दो, ये उनके लिए आई थिंक दैट इज माय रिप्लाई फॉर देम. हाँ मतलब यही है, पर आप इन द एंड हमें यही लगता है कि ट्रेनर आ रहा है, ट्रेनर अपना कर रहा है, हम इतने अच्छे ट्रेनर्स को लेके आ रहे हैं, इन द एंड किसके लिए मुझे सीखना होगा, मैं तो जाके ट्रेनर से सीख लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हमारा होता है कि 50,000 की रेशियो का लेडीज है, कि अगर 100 लेडीज में भी हम इम्पैक्ट कर पाए एक ट्रेनिंग से, लेकिन इम्पैक्ट तो तभी होगा ना कि जब आप सोचो कि आप ज्वाइन करो, मेरे पास मैसेज आ जाएंगे, मैं आपने रिकॉर्डिंग क्योंकि रिकॉर्डिंग भेज दो मुझे. बट लोगों को ये समझ नहीं आता कि रिकॉर्डिंग और उस वक्त बैठ के देखने में बहुत फर्क होता है. And that was the purpose, Payal, कि हमने आज ये बातों में हमने सोचा कि बात करें और कन्वे करें. पता चलनी चाहिए, बहुत ये जरूरी बातें हैं. I know, and that is why I mentioned कि ये जो हम जिस लेवल की ट्रेनिंग्स यहाँ पर हो रही हैं उसमें 10,000 to 15,000 अदरवाइज लगता है कॉस्ट है आजकल ऐसी ट्रेनिंग्स का, which we are just giving, you know, it's a throwaway price actually. Exactly. सी अब मैं आपको रियल एग्जांपल देती हूँ. हमारी कल वर्कशॉप है मेनोपॉज के ऊपर, और मैं ये कहती हूँ कि सी
हमारे इंडियन मेंटेलिटी है, हमें प्रॉब्लम है, हम लोग ना प्रोसेस से पूछ लेंगे, लेकिन योर बॉडी एंड देयर बॉडी आर डिफरेंट. बट लेडीज ना हमसे ये होता है, गुड़गांव में चार्जेस आर 1500 फॉर कंसल्टेशन टू ए गायनिक, ना हमसे ये होगा कि 1500 रुपए जा दे के हम गायनिक के पास जाके मेनोपॉज की प्रॉब्लम सुन के आएंगे. वॉट वील डू, वी विल गूगल दैम या नेबर्स से या उसके कर लेंगे. लेकिन कल हमारी 50 रुपए की वर्कशॉप है, उसमें हम सोचेंगे हम 50 रुपए की वर्कशॉप में क्यों जाना है, हम गूगल कर लेंगे. तो मैं यही कह रही हूँ, जो आज का फ्री डेटा पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कितना सही है कितना गलत है. हम हर कोई अपने आप को गूगल से या यूट्यूब में गलत न्यूज गलत मैसेज देखकर हम लोग अपने आप को सोचते हैं वी नो एवरीथिंग. तो मेरा कहना यही है कि गूगल वाला बोल रहे हो, मेरी गायनेक के जो डोर है उसके ऊपर लिखा हुआ है प्लीज कीप योर गूगल नॉलेज आउटसाइड दिस रूम. Absolutely. Because आप जो कह रहे हो, इस समझी, आप गूगल में भी जाओ, गूगल वाले भी कहते हैं कि हमारे जो कंटेंट बचा है वो 100% प्योर नहीं है, क्योंकि आपको क्योंकि ये तो है नहीं कि हर एक का एक एक चीज पढ़ी गई है. इट इज समथिंग जो मुझे लगा वो मैंने लिख दिया. अब वो मेरी बॉडी के लिए या दूसरी बॉडी के लिए है नहीं पता. अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग अ वर्कशॉप ऑन म्यूचुअल फंड. एक इसके अंदर यूट्यूब में मैं देख रही थी, एक पढ़ा हुआ था कि म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलना है यू शुड हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट. अब ये कहीं नहीं मेंशन है हमारे लॉ के अंदर कि म्यूचुअल फंड अगर आप खोलना है तो आपको बैंक अकाउंट भी डिफरेंट चाहिए. तो मैं कहती हूँ जरूर किसी ना सेल्स वाले बंदे ने यूट्यूब बनाया है जिसको बैंक अकाउंट सेल करने हैं. तो ही हैज मेड इट दिस यूट्यूब कि हाँ भाई कहते हैं शायद कोई आया और नया नया अकाउंट खोले. सो इंफॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी इंफॉर्मेशन गलत है, बट आपको ये जज करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है कौन सी गलत है वो बहुत मुश्किल काम है. तो हमारा जो है कार्यशाला फाउंडेशन में, तभी हम लोग नाम रखते हैं अवेयरनेस वर्कशॉप, कि जिसमें हम आपको एक राइट नॉलेज दे रहे हैं जो हम कह रहे हैं 100% प्योर ट्रू है. आप कहीं से भी जाके कंफर्म कर लीजिए कि नॉलेज हमने दी है वो ठीक है नहीं है. उसके बाद आपकी मर्जी है आप आगे क्या करो. सी नोबडी इज होल्डिंग यू बैक, लेकिन आपको पता तो चल रहा है ना कि ठीक क्या है गलत क्या है. बिल्कुल, वेरी नाइस. और वन टू वन इंटरेक्शन उसी टाइम जो क्वेश्चन पूछना है वो भी पूछ सकते हैं, उसी टाइम आप पूछ सकते हो. करेक्ट है. आप ऐसी जो मेरा सोचना है, हम अभी तीन जने हैं, तीनों का थिंकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट, तीनों के दिमाग पर डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं. लेकिन हो सकता है वर्कशॉप में अगर पायल ने कोई क्वेश्चन पूछा, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए कि इससे रिलेटेड, तो उसका इंट्रोडक्शन डिफरेंट है. फिर अगर गूगल ही सब कुछ है, यूट्यूब ही सब कुछ है, तो हमें बच्चों को स्कूल में भेजने की जरूरत भी नहीं है. बच्चे वहीं से सीख लेंगे, वहीं से पास हो जाएंगे. वी डोंट हैव टू स्पेंड 50,000 पर मंथ फॉर देयर एजुकेशन. एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड. राधिका जी, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगी क्या? आई थिंक आपने सभी बहुत ही अच्छे से बता दिया. इट्स सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, एंड आई जस्ट वांट कि अब लोग ज्वाइन करें और मोटिवेट होएं. सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड फील कि लोगों को करना चाहिए. यस, एंड लाइव ज्वाइन करें. आई नो, बिकॉज इन द कमेंट्स आई वाज रीडिंग, सविता जी इज आल्सो सेइंग यू नो दैट रिकॉर्डिंग डज नॉट सर्व द ट्रू पर्पस. जब तक वो लाइव इंटरेक्शन में, इफ यू आर नॉट जॉइनिंग, सी समटाइम्स इट कैन हैपन दैट यू आर नॉट एबल टू मेक आउट टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट. We will Facebook group live at 4 p.m. every Thursday. Okay, yeah. Bye. Thank you so much. Bye. Thanks. Bye. Bye.